स्मार्टफोन का इस्तेमाल आजकल हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्मार्टफोन में कई सारे सेंसर होते हैं, जैसे कि हो गया एक्सेलेरोमीटर सेंसर, हो गया प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हो गया जायरोस्कोप सेंसर, हो गया लाइट सेंसर, हो गया मैग्नेटोमीटर सेंसर, हो गया और भी भैया कई सारे जो सेंसर हैं वो आपको स्मार्टफोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि भैया आखिर में कितने टाइप के सेंसर होते हैं स्मार्टफोनों में और यहाँ पर कौन सा सेंसर किस काम आता है। थोड़े से कन्फ्यूज हो गया आप भी, क्यों? वेल, अगर आपको ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करना है, आपको मोबाइल के सेंसर का ज्ञान लेना है अच्छे से, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखते रहना होगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। वेल, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेंसर की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट सभी तरह के स्मार्टफोनों में इस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। अब ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है? Well, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी को कॉल करते हो या फिर आपके पास किसी का भी फोन आता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसके फोन को रिसीव करते हो या फिर उस फोन नंबर को डायल करते हो। उसके बाद आप अपने फोन को सीधा कानों पे लगाते हो। तो जैसे ही आप अपने फोन को कानों पे लगाते हो तो आपके फोन का जो स्क्रीन है वो टर्न ऑफ हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। उसके बाद जब आपकी बात खत्म हो जाती है, आपकी कॉल पूरी हो जाती है, तो आप अपने फोन को बाहर निकालते हो और उसके बाद कॉल को कट कर देते हो, तो उसके बाद जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है, यानी ऑन हो जाता है। जैसे आप कानों से फोन को हटाते हो तो देखते हो कि आपके फोन में जो लाइट है वो जल जाती है। तो ये जो सारा काम होता है वो बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम होता है। वेल, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कैसे करता है? जब भी आप किसी को भी फोन करते हो तो आपके फोन में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कह लो ऑन हो जाता है। उसके बाद इसी प्रॉक्सिमिटी सेंसर से एक बीम लाइट निकलती है। तो ये बीम लाइट किसी अगर ऑब्स्टेकल से या फिर कह लो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो उसके बाद सेम वही जो बीम लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर इसी सेंसर में वापस आती है, जिससे जो आपके फोन का जो लाइट है वो टर्न ऑफ हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कानों में फोन को लेते हो, तो जैसे अपने कानों में फोन को लेते हो तो यहां पर जो सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, वो आपके कानों से टकरा जाती है, तो यहां पर जो बीम लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर सेंसर में चली जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लाइट को टर्न ऑफ करना है, यानी बंद करना है, कि आप अभी फिलहाल फोन कॉल में हो। तो जैसे ही आप अपने कानों से उस फोन को हटाते हो तो वो जो सेंसर है या फिर कह लो बीम लाइट है वो वहां पर उसके सामने कुछ आ नहीं पाता, जिसके वजह से ये जो लाइट है वो टर्न ऑन हो जाता है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, प्रॉक्सिमिटी सेंसर में जो ये बीम लाइट निकलती है उसकी जो रेंज होती है, उसकी जो डिस्टेंस होती है, वो बहुत ही पास में होती है, यानी आपको अपने फोन का जो सेंसर है उसके इतने पास, करीब इतने पास अपने फोन को रखना होगा या फिर उसके सामने कुछ चीज को लाना होगा, तभी वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्टिवेट होता है या फिर कह लो काम करता है। उसके बाद ही आपके फोन में जो भी लाइट है वो टर्न ऑफ होता है या फिर कह लो ऑन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंसर आता है, ये सेंसर भी स्मार्टफोनों में इस्तेमाल किया जाता है और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि आखिर में ये क्या है और किस काम आता है, जिसका नाम है एक्सेलेरोमीटर सेंसर। ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर क्या है? वेल, आसान और सिंपल भाषा में कहूं तो ये एक तरह का ओरिएंटेशन सेंसर होता है, जो आपके फोन में ओरिएंटेशन का काम करता है। अब आप पूछोगे ये ओरिएंटेशन क्या होता है, तो चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिर में भैया ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर होता क्या है। तो जब भी आप अपने फ़ोन में किसी भी तरह के ऐप को इंस्टॉल करते हो या फिर डाउनलोड करते हो या फिर कोई भी गेम इंस्टॉल करके उसे ओपन करते हो, तो यहाँ पर अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो जो ऐप है या फिर गेम है वो हमेशा लैंडस्केप मोड में, यानी हॉरिजॉन्टल मोड में ओपन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल में एक सेटिंग देखा होगा, एक ऑप्शन देखा होगा ऑटो रोटेट का ऑप्शन, तो यहाँ पर जैसे ही आप ऑटो रोटेट ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देते हो, उसे ऑन कर लेते हो, उसके बाद आप किसी भी ऐप को ओपन करते हो, किसी भी ब्राउजर को ओपन करते हो, भले ही वो ऐप वर्टिकल में ही क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिकली जो ऐप है वो हॉरिजॉन्टल में हो जाता है या फिर कह लो लैंडस्केप में हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर है वो काम क्या करता क्या है, आपके जो कंडीशन है या फिर कह लो आपके डायरेक्शन के हिसाब से, आप जिस तरह खड़े हो, आपने फ़ोन को किस तरह पकड़ रखा है, उसके हिसाब से जो फ़ोन का जो डायरेक्शन है या फिर कह लो जो मोड है वो चेंज कर देता है। जैसे अगर आपने फ़ोन को इस तरह से पकड़ रखा है तो आपके फोन में जो भी ऐप ओपन हुआ पड़ा है वो बेसिकली लैंडस्केप मोड में ओपन हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टली ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फोन को इस तरह से खड़े करके पकड़ रखा है तो आपका जो फोन है वो बेसिकली वर्टिकल मोड में ओपन हो जाएगा। तो यहां पर ये जो सारा खेल है ओरिएंटेशन का, लैंडस्केप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये जो सारा काम होता है वो बेसिकली एक्सेलेरोमीटर सेंसर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेंसर आता है, जिसका नाम है जायरोस्कोप सेंसर। वेल, ये सेंसर भी बहुत ही पॉपुलर है और लगभग सभी तरह के स्मार्टफोनों में इस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेंसर भी एक तरह से ओरिएंटेशन सेंसर, ये एक तरह से एक्सेलेरोमीटर सेंसर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये जो सेंसर है वो थोड़ा सा एडवांस है, डिफरेंट है और एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है।
वेल जायरोस्कोप का काम क्या है? जायरोस्कोप एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। तो आसान भाषा में और सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो जायरोस्कोप होता है वो बेसिकली आपके फ़ोन में ओरिएंटेशन को या फिर कह लो मूवमेंट को कैलकुलेट करता है, उसे मेजर करता है कि आपका जो फ़ोन है वो किस साइड मूव कर रहा है, किस साइड में है, आपने अपने फ़ोन को किस डायरेक्शन में मूव कर रखा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, या फिर ये जो सारा काम होता है ओरिएंटेशन का, मूव करना एक साइड से दूसरे साइड में, ये जो सारा काम होता है वो बेसिकली यहाँ पर जायरोस्कोप का काम होता है। अब आप पूछोगे इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका यूज क्या है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक कार रेसिंग गेम का। आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी तरह के स्मार्टफोनों में कार रेसिंग गेम्स को खेलते हो तो वहां पर बेसिकली आप कार रेसिंग में लेफ्ट मूव करने के लिए अपने स्मार्टफोन को ऐसे लेफ्ट की साइड मूव करते हो और राइट साइड में मूव करने के लिए ऐसे राइट की साइड मूव करते हो। तो यहाँ पर ये जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली ऐप कैसे समझता है, जो भी गेम है वो कैसे समझता है। तो यहाँ पर बेसिकली यही जायरोस्कोप सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो जायरोस्कोप सेंसर है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन डेटा सेंड करता है ऐप को, जिससे वो समझ जाता है कि भैया हाँ आपका जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में है और इसके बाद आपका जो गेम खेल रहे हो वो गाड़ी जो है वो राइट साइड में मूव हो जाता है, या फिर अगर आपको लेफ्ट साइड में सेंड करना है तो वो जो सेंसर है वो बेसिकली आपको लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन है वो भेजता है, जिससे भैया आप स्मूथली अपने फ़ोन में जो भी गेम है, कार रेसिंग गेम है, वो आसानी से खेल पाते हो और कोई भी गलत जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कह लो गलत जो डायरेक्शन है वो नहीं जा पाता। तो यहाँ पर आपके फ़ोन में ये जो सारा काम होता है इधर से उधर मूव करने का, गेम्स खेलने का, जो गेम्स में सेंसर इस्तेमाल किया जाता है, ये जो सारा काम होता है वो बेसिकली जायरोस्कोप सेंसर का काम होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इन सभी चीजों के बाद जो नेक्स्ट सेंसर आता है, ये सेंसर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई एम श्योर आपने इसे नोटिस भी किया होगा। जी हाँ, जिसका नाम है लाइट सेंसर। अब ये लाइट सेंसर क्या है, तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप अपने घरों में यानी लो लाइट पे अंधेरे में लाइट टर्न ऑफ करके अपने फोन को इस्तेमाल करते हो तो आपके फोन का जो भी ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब ये फोन को कैसे पता चल पाता है? ये फिर इसके अलावा दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलते हो आपके फोन में जो ब्राइटनेस है वो मीडियम लेवल पे होती है और जैसे भी आप घर से बाहर निकलते हो धूप में फोन का इस्तेमाल करते हो तो आपके फोन का जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली भैया हाई हो जाता है, फुल हो जाता है। तो ये सब कैसे हो पाता है? तो यहाँ पर स्मार्टफोनों में ये लाइट सेंसर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जब भी आप अपने फोन को अंधेरे में इस्तेमाल करो तो वहां पर आपके फोन में ऑटोमेटिकली अपने आप ही ब्राइटनेस कम हो जाए ताकि आपके आंखों पर असर ना पड़े, और जब भी आप कभी बाहर जाओ कहीं धूप में इस्तेमाल करो अपने फोन को तो भैया ऑटोमेटिकली आपके फोन की जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा हो जाए ताकि आप फोन का इस्तेमाल कर सके। तो स्मार्टफोन इसलिए स्मार्ट होते हैं क्योंकि इनमें कई तरह के सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी सेंसर के बाद जो नेक्स्ट सेंसर आता है जिसका नाम है मैग्नेटोमीटर सेंसर। वेल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेट यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सेंसर को बेसिकली हम कंपास भी कहते हैं। अब ये कंपास क्या होता है आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता कि इसका क्या यूज है तो मैं आपको बता दूँ, कंपास का इस्तेमाल बेसिकली डायरेक्शन को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नॉर्थ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, साउथ कौन सा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर आपको पता करना है तो आप ये कंपास इंस्ट्रूमेंट की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहां पर स्मार्टफोनों में जो मैग्नेटोमीटर सेंसर होता है सिर्फ इसी तरह से ये कंपास की तरह ही काम करता है। तो अगर आपको अपने फोन से पता लगाना है कि भैया कौन सी दिशा है नॉर्थ की, कौन सी साउथ की, जहां पर अभी हो आपका फोन किस दिशा की तरफ उड़ा हुआ है, या फिर आप किस साइड में हो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहां पर आप आसानी से इस मैग्नेटोमीटर सेंसर की मदद से पता लगा सकते हैं। कई सारे ऐप भी आते हैं या फिर आपके फोन में एक कंपास नाम का ऐप होगा उससे भी आप ये सब पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंसर बैरोमीटर सेंसर। वेल, ये सेंसर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसका इस्तेमाल भी स्मार्टफोनों में यूज किया जाता है। अगर मैं आपको इसके बारे में सिंपल और आसान भाषा में कहूँ तो ये एक तरह का ऐसा सेंसर होता है जो आपको ये बताता है कि आपकी जो हाइट है या फिर कह रहे हो एल्टीट्यूड है वो समुद्र तट यानी सी लेवल से कितनी दूरी पर है, आप कितनी ऊंचाई पर हो। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा है? वेल, इसका फायदा तब आता है जब आप कोई GPS इस्तेमाल कर रहे हो और आपको पता लगाना है, एक्यूरेट लोकेशन पता करना है, तो यहाँ पर बेसिकली आप ये एल्टीट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि भैया हाँ आपकी जो दूरी है वो सी लेवल से कितनी दूरी पे है, जिससे भैया एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने में बहुत ही मदद मिलती है। इन सभी चीजों के अलावा दोस्तों यहाँ पर बैरोमीटर सेंसर का इस्तेमाल बेसिकली एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, यहाँ पर अगर आपको वेदर चेंजेस को डिटेक्ट करना है, पहचानना है कि मौसम में क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो यहाँ पर आप इसकी मदद से यानी ये बैरोमीटर सेंसर की मदद से भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो सेंसर है वो बहुत ही यूजफुल है
और बड़े ही काम की है। इन सभी चीजों के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंसर आता है जिसका नाम है बायोमेट्रिक सेंसर। आई एम श्योर आपको इसके बारे में जरूर पता होगा और आई थिंक मुझे आपको इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बायोमेट्रिक सेंसर यानी फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, आयरिस स्कैनर, आंखों का स्कैन। तो यहाँ पर इस सेंसर का इस्तेमाल बेसिकली क्या कब जाता है, जब आपको अपने फोन में किसी भी तरह के सिक्योरिटी लॉक को लगाना, चाहे वो फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, फेस अनलॉक हो गया या फिर आंखों का आयरिस स्कैनर हो गया। तो यहाँ पर ये सारा जो अगर आपको सिक्योरिटी लगाना है तो बेसिकली यहाँ पर आप बायोमेट्रिक स्कैनर का या फिर कह लो सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो सेंसर है वो बेसिकली सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपके फोनों के अंदर। तो यहाँ पर भैया आपको पता ही होगा भैया फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या होता है, फेस अनलॉक क्या होता है जहाँ से आप अपने फोन को फेस से अनलॉक कर सकते हो, आयरिस स्कैनर क्या होता है। आई थिंक मुझे इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इन सभी सेंसर के बाद एक दो और सेंसर है, जैसे कि थर्मामीटर सेंसर हो गया या फिर कह लो पेडोमीटर सेंसर हो गया। जहां पर थर्मामीटर सेंसर का, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस सेंसर का इस्तेमाल बेसिकली फोन के इंटरनल यानी अंदर में जो भी गर्मी है, जो भी हीट है, उसे मेजर करने के लिए, उसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा सेंसर है पेडोमीटर, इसका इस्तेमाल बेसिकली आप स्टेप्स को कैलकुलेट करने के लिए कि आप कितने स्टेप्स चले, कितनी दूर चले, ये जो सारा अगर कैलकुलेट करना है, तो अगर आपके फोन में ये पेडोमीटर सेंसर है तो आप ये सब आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर, मोबाइल फोन सेंसर जो आपके फोन में हो सकते हैं और आपको इन सेंसर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और अब भैया आपको आसानी से पता चल गया होगा कि स्मार्टफोनों में कौन कौन से सेंसर होते हैं और उनका क्या क्या काम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको वाकई में कुछ ज्ञान मिला, कुछ जानने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर भैया आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबाना, ये बिल्कुल फ्री है, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।